हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजी टुडे। दोस्तों, ये जो करंट अफेयर अपलोडेड हो रहे हैं आपके दिसंबर से जनवरी के, उसका दूसरा पार्ट है। सो स्टार्ट करने से पहले आज के लिए एक मोटिवेशनल थॉट। गॉड गिव हिज हार्डेस्ट बैटल टू हिज ब्रेवेस्ट सन। देखो दोस्तों, ये थॉट आप लोगों के लिए इसलिए है क्योंकि बहुत सारे लोग निराश हो जाते हैं, उनका एक पेपर में सिलेक्शन नहीं होता, दूसरे पेपर में सिलेक्शन नहीं होता, तो वो सोचते हैं कि हम बने ही नहीं हैं इस चीज़ के लिए, या हमारे अंदर कोई कमी है, या हम इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं हैं। तो उन लोगों के लिए थॉट है, भगवान हमेशा अपनी जो सबसे मुश्किल लड़ाई जो होती है वो अपने सबसे बहादुर बेटे को ही दी जाती है। मीन्स अगर आप लोगों का पेपर नहीं निकल रहा है, दैट मीन्स कुछ बहुत बड़ा आप लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ होगी जो आगे आपका इंतज़ार कर रही होगी। तो अपनी उम्मीद नहीं खोएंगे बिल्कुल भी, और कोशिश करेंगे और मेहनत करेंगे अच्छे से, कोशिश करेंगे अच्छे से, क्योंकि भगवान जो होता है वो अपनी सबसे कठिन लड़ाई होती है, बहुत ही मुश्किल लड़ाई होती है, वो अपने सबसे बहादुर बेटे को देता है जो उसे झेल सकता है। ठीक है, जो जिन चीज़ों को झेल सकता है भगवान उसके लिए परीक्षा ही लेता है। ठीक है, तो ये थॉट मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैंने ये अपलोड इसमें मेंशन किया अपनी स्लाइड में। God give his hardest battle to his bravest son. Okay. अब हम करंट अफेयर्स की बात करते हैं, तो मैं बता दूंगा जैसे श्योर शॉट होगा करंट अफेयर्स दिसंबर जनवरी 2017 से जनवरी 2018 के पार्ट सेकंड फॉर अपकमिंग एग्जाम्स। कौन कौन से एग्जाम होने वाले आपके, आपके एग्जाम अभी जो नियरली हैं, वीडियो ऑफ कैट SSC CHSL। ठीक है, ओके। अभी हमारे एजी टुडे में तीन मेंबर हैं, दो मेंबर अभी उनकी बात चल रही है, वो भी जल्दी इसमें आएंगे। ठीक है, जो जर्नल साइंस और आपके अनदर सब्जेक्ट कवर करेंगे। ठीक है, करंट अफेयर्स की बात करते हैं। ओके फ्रेंड्स, जो आर्म्ड फोर्स है आपका, ठीक है, आर्म्ड फोर्स वीक कब मनाया गया, वो 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक मनाया गया, और किसने लॉन्च किया, किसने मनाया, मतलब किसने लॉन्च किया ये, तो ये आपके डिफेंस मिनिस्ट्री ने किया है। ठीक है, और आपके अभी डिफेंस मिनिस्टर कौन है, तो आपके जो डिफेंस मिनिस्टर है वो कौन है, निर्मला सीतारमैया। ठीक है, निर्मला सीतारमैया आपकी कौन है, अभी डिफेंस मिनिस्टर है। ओके, आप लोगों को क्वेश्चन, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि निर्मला सीतारमैया डिफेंस मिनिस्टर से पहले कौन सी मिनिस्टर थी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्श सेन आनंद जो अभी रिसेंटली पास्ड हुए हैं, ठीक है, दिसंबर में, तो वो क्या, कौन थे, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि आदर्श सेन आनंद कौन थे आपके, तो वो थे आपके 29 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, अभी कौन है आपके, दीपक मिश्रा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं हम, 46 नेवी डे जो आपका है, मतलब 46वां था ये नेवी डे, वो कब मनाया जाता है, 4 दिसंबर को आपको नेवी डे मनाया जाता है, और इसकी मतलब क्यों मनाया जाता है 4 दिसंबर को, तो 4 दिसंबर को इसलिए मनाया जाता है कि जब आपकी 1971 की जब बांग्लादेश वॉर छिड़ रही थी। ठीक है, बांग्लादेश वॉर का अगर आप रीजन देखोगे तो हुआ क्या था कि इंडिया इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता था, लेकिन पाकिस्तान वालों ने जब बांग्लादेश पर क्या कर दिया, अत्याचार ढा दिए। ठीक है, उसकी भी एक कहानी अलग है, अगर टाइम मिला तो मैं जरूर अपलोड करूंगा। तो बांग्लादेश वाले ने, जब पाकिस्तान ने बांग्लादेश पे अटैक कर दिया था, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एक अलग, वो मतलब अलग देश बनाने की मांग छिड़ने लग गई थी। ठीक है, तो उसको दबाने के लिए पाकिस्तान ने अपनी सेना भेजकर वहाँ पे उसे दबाने का काम किया। अब जब दबाने का काम किया तो इंडिया उसकी नेबरिंग कंट्री है, जो चारों, तो मतलब तीन जगह से आपका बांग्लादेश को कवर करती है। ठीक है, तो बांग्लादेश को जब कवर करती है तो बांग्लादेश के जो शरणार्थी थे वो इंडिया में घुसने लग गए सारे के सारे, यहाँ से बॉर्डर बाहर, क्योंकि उनको बहुत ही ब्रूटल तरीके से मारा जा रहा था। ठीक है, तो जब ब्रूटल तरीके से मारा जा रहा था तो सारे इंडिया में आ गए, तो इंडिया की क्या हो गई थी, स्टेबिलिटी हट खत्म हो रही थी, मतलब। ठीक है, तो उस समय हमारी जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उन्होंने तत्कालीन एक्शन लेते हुए उन्होंने क्या कर दिया, इंडिया को भी बोल दिया कि इनको वो कर दो। हमने बहुत बार मुद्दा अटैक करने से पहले बांग्लादेश ने बहुत बार मुद्दा यूनाइटेड नेशन में उठाया, पर यूनाइटेड नेशन में हमारी बात नहीं सुनी गई। तो लास्ट ऑप्शन जो हमारे पास बचा था वो यही बचा था कि हमने क्या कर दिया, इंदिरा गांधी ने बोल दिया कि अटैक कर दो। तो जब उस समय क्या हुआ कि एक तो आर्मी की तरफ से अटैक किए गए बांग्लादेश में, ठीक है, लेकिन इधर से हमारी नेवी ने क्या कर दिया, अटैक कर दिया था, ठीक है, पाकिस्तान पे। तो जब पाकिस्तान में अटैक किया था, उस ऑपरेशन को बोलते हैं ट्राइडेंट। ठीक है, उस ऑपरेशन का नाम था TRIDENT ऑपरेशन। ठीक है,
इस ट्राइडेंट ऑपरेशन में नेवी ने जो किया था, इसने क्या, इन्होंने क्या कर दिया था, जो कराची था इनका, कराची में जो हेडक्वार्टर था ठीक है, उसको कैप्चर कर लिया था ठीक है। तो उसकी विजयी मतलब जब कराची को इन्होंने कैप्चर कर लिया था, तो कराची को कैप्चर करने पे उस समय उस दिन क्या तारीख थी, 4 दिसंबर थी। तो जब इन्होंने ट्राइडेंट ऑपरेशन के चलाने के कारण क्या, कराची का जो उनका हेडक्वार्टर था 1971 की वॉर में ठीक है, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में, तो उन्होंने इसको कैप्चर कर लिया था जब, तब जाके उस विजयी उसके लिए क्या बनाते हैं, ये 4 दिसंबर को नेवी डे बनाते हैं ठीक है। ओके, अब बात करते हैं जो साइक्लोन, अभी रिसेंटली आपको पता होगा कि जो साइक्लोन आया साउदर्न इंडिया में, उस साइक्लोन का नाम क्या था, चक्रवात। देखो अलग अलग देशों में अलग अलग नाम होते हैं ठीक है, जैसे आपका हरिकेन कहाँ बोलते हैं, ये सब आप पता होना चाहिए ठीक है, वह आपके लिए फर्दर वीडियो बना दूंगा मैं। तो साइक्लोन जो इंडिया में साउदर्न स्टेट में जो इंडिया को हिट किया, मतलब अभी बहुत आपने सुना होगा बहुत तबाही हुई है, तो उसका नाम, उस साइक्लोन का नाम क्या था, उसका नाम था उखी ठीक है, उखी नाम था। और इसने कौन कौन से स्टेटों, मतलब अगर ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन उखी ने कौन कौन से स्टेटों में, इंडिया के कौन कौन से स्टेटों को मतलब प्रभावित किया, तो वो स्टेट आपके तमिलनाडु ठीक है, आंध्र प्रदेश और लक्षद्वीप ठीक है। तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि अभी कौन सा साइक्लोन आया था जिसने साउदर्न स्टेट ऑफ इंडिया में किया था, उसका नाम उखी था ठीक है। हॉसंग 15, इससे प्रीवियस वाली वीडियो में मैंने वो क्या होगा बताया था कि विजिलेंट एस चलाई थी, कौन सी, आपकी यूएसए और साउथ कोरिया ने, किसके कारण, नॉर्थ कोरिया के कारण, क्योंकि नॉर्थ कोरिया एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा था ठीक है। और उसने जो अमेरिका का एक गॉम आइसलैंड है, जो मतलब अमेरिका का क्या है, एक मिलिट्री बेस है, तो मिलिट्री बेस को उड़ाने के लिए भी इन्होंने धमकी दी थी। तो हॉसंग ठीक है, हॉसंग 15 क्या है, नॉर्थ कोरिया की क्या है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है ठीक है। तो पूछ सकते हैं कि हॉसंग 15 किसने अभी बनाई, मतलब ठीक है, तो वो आपका कौन है, नॉर्थ कोरिया ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इन्वायरमेंटल यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल गुडविल एम्बेसडर फॉर इंडिया, वो किसको चुना है, कौन है मतलब ठीक है, तो वो है आपकी दिया मिर्जा, जो यूनाइटेड नेशन ने एनवायरनमेंट के गुडविल एम्बेसडर के लिए चुना है ठीक है। और ये आपकी एशिया पैसिफिक विनर भी रह चुकी हैं ठीक है, अपने टाइम पे एशिया पैसिफिक विनर रह चुकी हैं ठीक है, एशिया पैसिफिक की भी ये विजेता रह चुकी है दिया मिर्जा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, संपर्क, देखो आपसे पूछ सकते हैं कि संपर्क क्या है ठीक है, संपर्क 2030, जो संपर्क क्या है, एक गवर्नमेंट की तरफ से एक इनिशिएटिव चलाई गई है ठीक है। तो इसमें क्या है कि मोटो ये है कि 2030 तक क्या करना है, पूरे देश को आपको क्या करना है, एड्स फ्री करना है ठीक है। और अभी आपसे ये भी पूछ सकते हैं, जो 2025 तक है, इंडिया ने ये डिसाइड किया है कि जो इंडिया की हेल्थ मिनिस्ट्री है, तो उन्होंने ये किया है, डिसाइड किया है कि 2025 तक आपका ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबर टीबी, टीबी को ख़त्म करना है ठीक है, और 2027 तक आपके मलेरिया को खत्म करना है इंडिया में। और संपर्क जो है, इन्होंने क्या किया है, जो संपर्क जो है वो 2030 में इन्होंने क्या किया कि एड्स को खत्म करना है ठीक है। और एड्स दिवस कब मनाया जाता है, एड्स आपसे ये पूछ सकते हो, जैसे आ गया यहाँ पे 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है, माई हेल्थ माई राइट इसकी थीम थी ठीक है। तो वैसे जो संपर्क है, उन्होंने क्या किया, इंडिया एक हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये इनिशिएटिव लॉन्च की है कि 2030 तक हम देश में एड्स को खत्म कर देंगे ठीक है। और ठीक है, मिशन एचआईवी एंटीवायरल थेरेपी, मतलब जो लोगों को एड्स से प्रभावित हैं, उनको जो एड्स से प्रभावित हो चुके हैं मतलब, तो उनको एंटी वेट्रोनियल ठीक है, एंटी वेट्रोनियल थेरेपी के अंडर उनको लेके आना है ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो टू ये पूछ सकते हैं आपसे, क्योंकि गुलजार साहब बहुत फेमस हैं, तो उनकी जो नोवेल है टू अभी रिसेंटली इंग्लिश में लॉन्च हुई है ठीक है, तो उस नोवेल का नाम क्या है, जो इंग्लिश में अभी ऐसे पूछ देंगे टू किसकी नोवेल है ठीक है इंग्लिश की, तो वो गुलजार साहब की है ठीक है। अभी रिसेंटली इंग्लिश में इन्होंने इसका डिब्यूट आया ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मैं बता चुका हूँ वर्ल्ड 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे है, और इसकी थीम जो थी वो थी माय हेल्थ माय राइट ठीक है, इसमें क्या डायरेक्ट आंसर है ठीक है। 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है, और माय हेल्थ माय राइट इसकी थीम थी। नेक्स्ट कहते हैं, MD & CEO ऑफ इन्फोसिस,
ठीक है, अभी रिसेंटली बने हैं जो ये नए नए बने, इन्फोसिस के जो अभी MD और CEO बने हैं वो कौन है, सलील एस पारेख कौन बने अभी इन्फोसिस के MD और CEO बने हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछे इसका चेयरमैन कौन है अभी, तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप लोग मुझे बताओगे कि इसका चेयरमैन कौन है। ठीक है, अभी जो जो इन्फोसिस के CEO और MD थे उन्होंने अभी क्या किया था, अपने चेयरमैन से विवादित होने के कारण उन्होंने अपना CEO और MD से पद से त्याग किया था। ठीक है, तब जाके SL पारेख बने थे। ठीक है, आप लोग कमेंट करेंगे कि अभी चेयरमैन कौन है। ठीक है, आप लोगों के आज दो क्वेश्चन मैं पूछ चुका हूँ। ठीक है, ओके, डेटली ऐप, देखो जो अभी करंट अभी आया उसमें कंप्यूटर के एक दो रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, या कौन सी नई नई ऐप्स लॉन्च हुई हैं वो भी पूछ लेते हैं। तो डेटली ऐप क्या है, एक ऐप बनाई है गूगल ने, ठीक है, जो क्या करती है, मोबाइल का डेटा सेव, मतलब जैसे अगर आप कुछ भी चलता है आपके फ़ोन बहुत ज़्यादा डेटा यूज़ कर लेता है, ठीक है, आपको पता नहीं होता, बैकग्राउंड में भी जो ऐप चल रही थी वो भी डेटा यूज़ करती रहती हैं। तो गूगल ने एक ऐप बनाई है डेटली, ठीक है, तो डेटली जो ऐप बनाई है वो कौन, गूगल ने बनाई है, और ये करती है आपके मोबाइल का डेटा सेव करती है, मोबाइल डेटा जो भी मतलब आप इंटरनेट पैक होते हैं वो सेव करती है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, सरस्वती त्रिपाठी अभी रिसेंटली पास्ड हुई है, ठीक है, और ये उड़ीसा की थी रहने वाली, तो ये इतनी फेम में क्यों है, देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक वो है, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरस्वती त्रिपाठी जो है वो क्या थी, फ्रीडम फाइटर थी, ठीक है, और फ्रीडम फाइटर थी, और उन्होंने गांधी के साथ भी अपना काम किया हुआ था, ठीक है, गांधी जी के साथ रही हैं ये, ठीक है, तो इसलिए फेमस है, और इनका नाम सरस्वती त्रिपाठी था। एक दिन मैं FM सुन रहा था, तो FM में इनका इंटरव्यू आया था, ठीक है, तो इंटरव्यू में भी सुना था मैंने इनका, सरस्वती त्रिपाठी का, तो इसलिए फेमस है, ठीक है, ये कि उन्होंने गांधी के साथ किया था और एक फ्रीडम फाइटर थी ये, ओके। 2018 के विंटर ओलंपिक प्योंगचांग में होंगे, साउथ कोरिया के, ठीक है, 2018 के विंटर ओलंपिक कहाँ होंगे, प्योंगचांग जो साउथ कोरिया का एक शहर है वहाँ होंगे, ठीक है। और मैंने, अगर आप लोग मेरी डेली करंट अफेयर्स वीडियो देखते होंगे, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ 2022 का जो होगा वो कहाँ होगा आपका विंटर ओलंपिक, वो होगा आपका बीजिंग में होगा। जो बीजिंग कहाँ की राजधानी है आपकी, चाइना की, ठीक है, चाइना की आपकी कैपिटल है बीजिंग, और बीजिंग मात्र एक ऐसा शहर है जिसने अभी तक आपका समर ओलंपिक भी कराया और विंटर ओलंपिक भी करा रहा है, ठीक है, आप लोगों को बताया। तो आप लोग मुझे बताओगे कि आपके 2020 के आपको पता है कि 2020 के तो कहाँ होने वाले हैं आपके समर ओलंपिक, कहाँ होंगे 2020 के, आपके टोक्यो में होंगे, टोक्यो जापान में, ठीक है। आप लोग के लिए क्वेश्चन ये है कि 2024 के समर ओलंपिक कहाँ होंगे, ठीक है, 2024 के समर ओलंपिक कहाँ होंगे, आप लोगों के लिए क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन ये। तो आगे बात करें, देखो यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी, ओके, देखो यूनेस्को जो है दो तरह के इनटेंजिबल और टेंजिबल, दो तरह के क्या क्या आपके देता है, कल्चरल हेरिटेज देता है। तो इंटेंजिबल क्या होते हैं, इंटेंजिबल वो चीज़ होती है जिनको आप छू नहीं सकते हो, देखो इस इंग्लिश का मीनिंग भी आपको वर्ल्ड मीनिंग के लिए थोड़ा यू हेल्प हो जाएगी, इनटेंजिबल दैट थिंग्स विच यू कैन नॉट टच और परसीव, जिन चीज़ों को तो आप छू नहीं सकते हो या महसूस नहीं कर सकते हो वो आप उन्हें इनटेंजिबल बोलते हो, ठीक है। और टेंजिबल क्या होती है, द थिंग्स विच कैन यू टच और परसीव, मतलब जिन चीज़ों को आप टच कर सकते हो या महसूस कर सकते हो वो टेंजिबल होते हैं। तो अभी यूनेस्को ने इंडिया में कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको क्या किया है, एक कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी, ठीक है, कल्चर मतलब इंटेंजिबल ऐसी चीज़ जिसको आप छू नहीं सकते हो लेकिन उसको कल्चरल हेरिटेज दी है, ठीक है, तो उसे कुंभ मेला है, ठीक है, अभी जो रिसेंटली जोड़ा है यूनेस्को ने तो वो क्या है, कुंभ मेला, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंडर 19 वर्ल्ड कप, देखो आपका अंडर 19 वर्ल्ड कप किस कहाँ हो रहा है, न्यूजीलैंड में हो रहा है, ठीक है, और इसके कैप्टन कौन है, पृथ्वी शाह ने, आपको पता होगा कि अंडर 19 वर्ल्ड कप किसने जीत लिया है, आपका इंडिया ने जीता है, किसको हरा के, ऑस्ट्रेलिया को हरा के, अब कितने विकेट से, 8 विकेट से। अगर आप डेली करंट अफेयर्स वीडियो देखते होंगे तो देखो उसमें ये सब चीज़ें पहली जाती है, और डिटेल में थोड़ा अगर एक्सटर्न मैंने डिटेल भी दे रखी है, उसके लिए डेली करंट अफेयर से रिगार्डिंग एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नाम की एक अलग से वीडियो आती है जिसमें आपको पूरी डिटेल मिल जाती है, ठीक है, ओके। शशि कपूर अभी रिसेंटली मर गए हैं, ठीक है,
और तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि उनको क्या क्या मिला था, ठीक है। क्वेश्चन ये आ सकता है कि 2011 में एक तो उनको पद्म भूषण मिला था, और 2015 में उनको क्या मिला था, दादा दादा फाल्के साहेब अवार्ड। और ये क्वेश्चन आपका एफ कैट में भी आ चुका है एक बार, ठीक है, कि दादा फाइस साल के अवार्ड किसको मिला है 2015 का। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट इंडियन पैरा, देखो ऐसी पहला इंडियन, कोई भी पहला इंडियन जिसने पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप जो मैक्सिको में हेल्ड, वर्ल्ड पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप जो मैक्सिको में हेल्ड हुई, ठीक है, वो जीती है। और ये दुनिया की पहली, मतलब सॉरी, इंडिया की जो पहली है वो है ये, ठीक है। पहली, आप मेल में बोलो या फीमेल में बोलो, पहली वो है ये, ठीक है। द फर्स्ट इंडियन हु वन गोल्ड मेडल इन वर्ल्ड पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप विच इज हेल्ड इन मैक्सिको, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उनका नाम है कंचन माले पांडे, कंचन माला पांडे, ठीक है, उन्होंने गोल्ड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो वर्ल्ड ह्यूमन राइट कब आता है, 10 दिसंबर को आता है, ठीक है। या ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इनमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप डायरेक्ट से कर सकते हैं। तो इनकी जो थीम थी वो क्या थी, लेट अस स्टैंड फॉर जस्टिस इक्वालिटी एंड ह्यूमैनिटी डिग्निटी, ठीक है। लेट अस स्टैंड फॉर जस्टिस इक्वालिटी और ह्यूमन डिग्निटी, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको सीधे हम डायरेक्ट याद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं। ओके, ऑपरेशन सिनर्जी, ऑपरेशन सिनर्जी क्या है। ऑपरेशन सिनर्जी जो आपका साइक्लोन आया था, कहाँ आया था, आपके साउदर्न साउदर्न जिसने इंडिया के साउदर्न उसको हिट किया था, ठीक है, साउदर्न इंडिया को हिट किया था, उसका नाम था ओखी। और ओखी को निपटने के लिए जो अभियान चलाया गया था सिनर्जी, उसमें किस किसने, मतलब किसने किसने हमारी उसने अथॉरिटीज ने किसने काम किया, तो देखो इंडियन एयरफोर्स ने किया था उसमें काम, ठीक है, इंडियन नेवी ने और इंडियन कोस्ट गार्ड ने, तीनों ने मिलकर एक ऑपरेशन चलाया था सिनर्जी, ठीक है, उसका नाम था सिनर्जी। सिनर्जी का मतलब ही होता है एक दूसरे से मिलकर काम करना, ठीक है, यूनाइट। अब इसके ये भी इंग्लिश का एक वर्ड आ गया आप लोगों के लिए, ठीक है। तो सिनर्जी का मतलब होता है यूनाइट करके काम करना। तो उन्होंने किस लिए काम किया था, साइक्लोन जो ओखी था उससे निपटने के लिए एक सिनर्जी अभियान चलाया था, ठीक है। ओके, फिफ्थ बैलन डॉर अवार्ड बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर भी इन्हीं को मिला है, ठीक है। किसको, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, 7 इस लिखा है क्योंकि इनकी 7 नंबर की जर्सी पहनते हैं, ठीक है। तो फिफ्थ बैलन डॉर प्रसार और बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर, ठीक है, किसको मिला है आपका, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मिला है। ओके, अब जो लोग उत्तराखंड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट है, देखो आ सकता है। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने साइन की है मूवमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर द टेली मेडिसिन फैसिलिटी इन रिमोट एरियाज, ठीक है। उत्तराखंड ने क्या किया है, जो उत्तराखंड गवर्नमेंट है उसने किस कंपनी के साथ, देखो अब क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि उत्तराखंड ने कौन सी कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी के साथ क्या किया है, एक हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। होता क्या है, जैसे उत्तराखंड में दूर दराज के इलाके हो गए जहाँ डॉक्टर सेवाएं उपलब्ध नहीं होती, तो उसके लिए क्या करते हैं, डॉक्टर सेवाएं उपलब्ध नहीं होती तो टेली मेडिसिन होता है, जिसमें कंप्यूटर द्वारा क्या होता है, लोगों को डॉक्टर देखता है और फिर उनको मेडिसिन वगैरह सजेस्ट करता है, ठीक है। तो टेली मेडिसिन फैसिलिटी को टेली मेडिसिन फैसिलिटी को उत्तराखंड के गाँव गाँव दूर दराज क्षेत्रों में पहुंचाने के लिए, रिमोट एरियाज दूर दूर क्षेत्रों में पहुंचाने के लिए उत्तराखंड गवर्नमेंट ने किस एग्रीमेंट, तो किस कंपनी के साथ आपका वो किया, एग्रीमेंट किया है, तो उसका वो है एचपी, ठीक है, एचपी के साथ किया है, ठीक है। ओके, तीसरी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। वासेनार एग्रीमेंट है क्या एक्चुअली में, देखिए वासेनार एग्रीमेंट क्या है, जो वियना में हुआ है, ठीक है, और उसके लिए 42 मतलब वियना में हुआ था, और इसमें क्या था, सर्वसहमति। देखो ये एक ऐसा हुआ है जिसमें आपके न्यूक्लियर, मतलब जो वासेनार एग्रीमेंट होता है उसका बस, मतलब आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, बाद में इसके लिए एक वीडियो पोस्ट कर दूंगा। जो वासेनार एग्रीमेंट होता है, वासेनार एग्रीमेंट में क्या करते हैं कि मतलब जो इंडिया है वो क्या कर सकता है, जो इसका मेंबर होगा वही क्या कर सकता है, आपके जो न्यूक्लियर प्रोडक्ट्स रहते हैं, ठीक है, न्यूक्लियर प्रोडक्ट्स रहते हैं या न्यूक्लियर एनर्जी टाइप की जो भी चीजें होती हैं, यूरेनियम वगैरह, उन चीजों को बेच सकता है, ठीक है, इन देशों को। अगर कोई इसका एग्री देश मतलब मेंबर नहीं है तो उसको एकदम से नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो वासेनार एग्रीमेंट का होना मतलब जो वासेनार है उसका मेंबर होना जरूरी है, ठीक है, तभी जाके आपको
आपको क्या मिलती है, न्यूक्लियर एनर्जी टाइप की जितनी भी चीजें होती हैं वो मिलती है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट खरीद सकते हो आप, जिससे आप क्या कहते हैं एनर्जी उनर्जी फॉर्मेशन कर सकते हो। तो सबसे पहले चीज, वासेनार एग्रीमेंट का वो कहाँ है हेडक्वार्टर, वो आपका वियना में, ठीक है। और जब इंडिया को कौन सी पोजीशन मिली, अभी जब इंडिया इसमें ज्वाइन हुआ तो इंडिया 42nd कंट्री थी, ठीक है, जो इस एग्रीमेंट में जुड़ी। और इस एग्रीमेंट की खासियत क्या है कि इसमें सर्वसहमति के साथ जुड़ना होता है। सर्वसहमति मतलब सर जितने भी देशेस के मेंबर हैं वो सब के सब क्या होंगे, जब हाँ बोलेंगे तभी किसी दूसरे देश को जोड़ा जाएगा। और इसमें खास बात यह है कि अभी तक चाइना और पाकिस्तान इसके मेंबर नहीं हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लालजी सिंह कौन थे, आ सकता है आप लोगों को क्वेश्चन पूछा सकता है। लालजी सिंह क्या थे, जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है उसके साइंटिस्ट थे, मतलब साइंटिस्ट थे, और जिन्होंने क्या कहा था, इंडिया में इनको फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बोला जाता है, ठीक है, इंडिया में, वर्ल्ड के कोई और है तो आप लोगों को एक और क्वेश्चन देता हूँ कि वर्ल्ड में आप लोगों को ढूंढना है कि कौन थे, ठीक है। लालजी सिंह थे वो इंडिया में फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग थे, और इन्हें साइंटिस्ट बोल सकते हैं, ठीक है। तो लाल सिंह लिए थे, लालजी सिंह। 2017 का व्यास समन फॉर दुखम सुखम किसको मिला, देखो दुखम सुखम एक तो इनकी नोवल थी, मतलब जिसके इनको मिला है, ठीक है। तो 2017 का व्यास समन किसको मिला है, ममता कालिया को मिला है, ठीक है। और किस बुक के लिए मिला है, दुखम सुखम को मिला, दुखम सुखम जो बुक थी इनकी उसके लिए मिला है, ठीक है। ओके, डोर टू डोर कंपेनियन किस चीज से, मतलब जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किस चीज से चला रही है, इंडियन गवर्नमेंट। डोर टू डोर कंपेनियन का क्या मतलब है, देखो डोर टू डोर कंपेनियन का मतलब है ट्यूबरक्लोसिस को खत्म करना, ठीक है, 2025 तक। तो उसके लिए ये क्या कर रही है, डोर टू डोर कंपेनियन चला रही है जो हमारी गवर्नमेंट है, ठीक है। तो आप लोगों को याद रखना डोर टू डोर कंपेनियन किस चीज से वो रखता है, संबंध रखता है। नेवल मैरिटाइम एयरक्राफ्ट म्यूजियम कहाँ बना है आपका, विशाखापट्टनम में बना है, और इसका इनॉग्रेशन आपके किसने, प्रेसिडेंट ने किया था, ठीक है, रामनाथ सिंह कोविंद ने किया था, विशाखापट्टनम में बना है ये नेवल मैरिटाइम एयरक्राफ्ट म्यूजियम। बैंकर ऑफ द ईयर कौन बनी है 2017 की, उन्हें मिला है अरुंधति भट्टाचार्य, ठीक है। अरुंधति भट्टाचार्य कहाँ की थी, वो थी एसबीआई की थी, ठीक है, एसबीआई की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल माउंटेन पार्टनरशिप मीटिंग, ये भी देखो उत्तराखंड के जो वीडियो के लिए तैयारी करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जो अभी इंटरनेशनल माउंटेन पार्टनरशिप मीटिंग हुई है वो कहाँ हुई है आपके, उत्तराखंड के देहरादून में हुई है, ठीक है, देहरादून में हुई है उत्तराखंड के। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से, देखो उत्तराखंड से रिलेटेड दो क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है इंटरनेशनल माउंटेन पार्टनरशिप मीटिंग आपके उत्तराखंड देहरादून में भी है। ओके, 11 दिसंबर क्या आता है, इंटरनेशनल माउंटेन डे भी आता है, देखो इसी से रिगार्डिंग, ठीक है। माउंटेन अंडर प्रेशर क्लाइमेट एंड हंगर माइग्रेशन, ये इसकी थीम हो गई थी, ठीक है। माउंटेन बस आप लोगों को याद रखना, इंटरनेशनल माउंटेन डे 11 दिसंबर को आता है, और इंटरनेशनल माउंटेन पार्टनरशिप मीटिंग कहां भी, उत्तराखंड के देहरादून में भी है। अ डिजिटल सर्विस अलाउ कस्टमर टू ओपन पर्सनल प्रोविडेंट फंड, ठीक है, पर्सनल प्रोविडेंट फंड अकाउंट ऑनलाइन, मतलब ऐसी कौन सी एक डिजिटल सर्विस किस बैंक ने अलाउ की है जिससे लोग क्या कर सकते हैं, अपना प्रोविडेंट फंड ऑनलाइन खोल सकते हैं, ठीक है, वो है आपका आईसीआईसी बैंक, ठीक है। आईसीआईसी बैंक ने क्या किया है, ये लोगों को फैसिलिटी दी है ताकि वो क्या ऑनलाइन ही अपना पीपीएफ खोल सकते हैं, ठीक है। ओके, 2017 का मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस यूनिसेफ गुडविल, ठीक है, एम्बेसडर किसको चुना है, ठीक है, मतलब देखो 2017 का मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड भी इन्हीं को मिला है, और यूनिसेफ का गुडविल एम्बेसडर भी किसको मिला है, इन्हीं को मिला है। तो उसका उनका नाम क्या है, प्रियंका चोपड़ा, ठीक है। 2023 का वर्ल्ड कप और 2021 की चैंपियन ट्रॉफी कौन कर रहा है, ठीक है, वो इंडिया कर रहा है, ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 2023 का वर्ल्ड कप और 2021 की चैंपियन ट्रॉफी वो करेगा इंडिया, ठीक है। 54वां सार्क प्रोग्रामिंग कमेटी कहाँ हुई है, काठमांडू नेपाल, और काठमांडू में ही हेडक्वार्टर है किसका, सार्क का। 10 एशियन चैंपियनशिप वकाओ सिटी जापान, ठीक है, देखो जो 10वीं चैंपियनशिप हुई है, ठीक है, 10वीं एशियन चैंपियनशिप हुई है जो कहाँ हुई थी, वकाओ सिटी और जापान में भी थी, उसके लिए किसने जीता उसमें 10 मीटर पिस्टल में तुषार माने, जो इंडिया का ही, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है तुषार माने किस खेल से संबंध रखते हैं, तो वो आपके शूटिंग से संबंध रखते हैं, और उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है किसमें, 10th एशिया चैंपियनशिप में जो कहां हुआ था, वकाओ सिटी जापान में हुआ था, और उन्होंने इसी खेल के बाद ये पहले वो बन गए हैं, मतलब इंडियन बन गए शूटिंग में जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया यूथ ओलंपिक के लिए, ठीक है, यूथ ओलंपिक के लिए पहले बंदे कौन थे जिनका नाम था तुषार माने, ठीक है, जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, भगवद गीता रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां बन रहा है आपका, भगवद गीता रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका यूपी
मथुरा में बन रहा है, ठीक है, यूपी मथुरा में बन रहा है, आप लोगों को देखना है, ठीक है, भगवत गीता रिसर्च इंस्टीट्यूट यूपी मथुरा में बन रहा है। 2018 का फीफा वर्ल्ड कप कौन करा रहा है, ठीक है, वो यूएई करा रहा है, ठीक है, सॉरी फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2018 का फीफा क्लब वर्ल्ड कप किसने जीता, तो क्लब वर्ल्ड कप जीता रियल मैड्रिड ने, क्लब है, ठीक है, और ये जीता आपका रियल मैड्रिड ने जीता है, और ये हुआ कहाँ था, यूएई, यूएई की वो क्या है कैपिटल है, आप लोगों के क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, 25 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं, अभी इसमें 2-3 स्लाइडें और थी, अब मुझे लगता है कि मुझे वो स्लाइडें नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करनी पड़ेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, एंड मैं थोड़ा जल्दी बोलता हूँ साइड से, इसलिए आपकी प्रोनंसिएशन में थोड़ा दिक्कत हो जाती है, ठीक है, तो प्रोनंसिएशन में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, तो उसको माइंड ना करें, मुझे लगता है आप लोग थोड़ा तो समझ ही गए होंगे, और इस थॉट को आज देखें और अपने आपको मोटिवेट रखें। गॉड गिव हिज हार्डेस्ट बैटल टू हिज ब्रेवेस्ट सन, आप लोग हमें चाहो तो फॉलो कर सकते हो फेसबुक में, ठीक है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।